एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं गीतू त्यागी आज आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड फर्स्ट फ्लाइट पोएम 6 लेकर आई हूं मैं, जिसके की मैं आज आपको समरी एक्सप्लेन करूंगी। फ्रेंड्स, ये पोएम छोटी सी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है अमांडा, कंपोज्ड बाय रोबिन कैलिन। फ्रेंड्स, इस पोएम से कभी कभी समरी आती है, तो इसे आप अच्छे से सुने और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ी स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ईजी है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है अमांडा, इसमें एक छोटी बच्ची है अमांडा, उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया, उसकी मनोदशा, उसकी जो सोच है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। बताया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, जब उनके घर के जो बड़े होते हैं व्यक्ति वो उन्हें डांटते हैं तो छोटे बच्चे कैसा सोचते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी समरी। एक छोटी बच्ची होती है अमांडा नाम की, उसके घर के जो बड़े व्यक्ति हैं वो हमेशा उसे उपदेश देते रहते हैं और उसे सिखाते रहते हैं, उसे बताते रहते हैं कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, अमांडा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम ये करो, तुम वो मत करो, हमेशा उसे उपदेश देते रहते हैं। फ्रेंड्स, जो उसे कहा जाता है कि अमांडा सीधे होकर बैठो, तुम्हारा कोबर निकल जाएगा, अमांडा जो तुम्हें होमवर्क मिला है स्कूल का उसे अपने आप करो, अमांडा अपने रूम में जाओ और वहाँ की डस्टिंग करो, अमांडा अपना कार्य स्वयं करो, उसे ऐसी हर टाइम उसे उपदेश दिए जाते रहते हैं। लेकिन जो अमांडा है वो कोई भी ध्यान नहीं देती है उनकी बात पर, वो हमेशा अपनी जो आज़ादी है उसके बारे में सोचती रहती है। वो सोचती है कि काश मैं ऑर्फन होती, मैं अनाथ होती, जिससे कि मुझे इनके जो उपदेश हैं वो सुनने नहीं पड़ते और मैं धूल भरी गलियों में नंगे पैर घूमती और इंजॉय करती, या काश मैं एक रूपांजल होती जो कि दूर टावर में अकेली रहती है, मैं भी ऐसे ही रहती। और फिर जो अमांडा है वो सोचती है, या फिर मैं एक मरमेड होती, मत्स्यांगना होती, मछली स्त्री होती जो कि पानी की लहरों पर खूब ऐसे स्विम करती और इंजॉय करती। फ्रेंड्स, अमांडा के हाथ में एक चॉकलेट है, लेकिन जो उसके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं या जो भी उसके घर में बड़े हैं, उसे कहते हैं अमांडा चॉकलेट नहीं खानी है। सोचिए आप, किसी बच्चे के हाथ में चॉकलेट हो और उसे खाने के लिए मना किया जाए तो कितना पहाड़ टूट पड़ता है उस बच्चे पर, आप भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी समरी है, बहुत छोटी सी समरी है, आप इसे अच्छे से सुने, और क्योंकि ये बहुत एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यही हमारी समरी थी। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।